कि कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ती। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब कांग्रेस की दो महिला नेता मंच पर ही एक दूसरे से भिड़ गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई और भाजपा ने भी मजाक उड़ाया। अब कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में नेताओं के बीच अंतरकलह और बगावती सुर खुलकर सामने आ गए हैं। अब कांग्रेस अपनी अंतरकलह से कैसे निपटेगी यह तो वक्त ही बताएगा, पर कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, कांग्रेस की पहली सूची आने दो फिर देखो क्या क्या होता है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री सुनील केदार छिंदवाड़ा जिले के परासिया पहुंचे। नेताजी पहुंचे तो थे कांग्रेसियों में जोश भरने, पर वहां पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिससे नेताजी के अपने ही होश उड़ गए। पार्टी के एक खेमे ने परासिया से कांग्रेस के मौजूदा विधायक सोहन वाल्मीकि का टिकट काटने की मांग कर दी। एक खेमा चाहता है कि उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जाए जो डहरिया समाज से आता हो। चेहरा बदलो के नारे खुलकर जोर शोर से लगे। खैर, कांग्रेस नेता सुनील केदार है तो राजनेता ही, इसलिए खुली अंतरकलह को देखकर भी कह रहे हैं ये झगड़ा नहीं पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस में तो मेरे को गुटबाजी तो नजर ही नहीं आ रही, अभी मीडिया को दिख रही होंगी तो फिर कांग्रेस में गुटबाजी है ऐसा मेरे को नहीं नजर आया, पर मीडिया जी समझती होंगी या मीडिया के पास कुछ फीडबैक होगा तो उसका जरूर लेने की कोशिश करेंगे हम, उसको कोई चिंता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।